हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ। तो मुझे पता है अभी फ़िलहाल लॉकडाउन में और इस सिचुएशन में हम सबकी लाइफ मोर और लेस एक ही तरह से चल रही होंगी, और जिसको भी पूछो बहुत ही बोरियत आ चुका है सबके लाइफ में और क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बस तीन काम, खा जाओ मतलब खाना खाओ, सो जाओ और ऑफिस या घर का काम करो। मिसलेनियस तौर पर हम कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम बचाते हैं, जिससे हमें टीवी, म्यूज़िक वगैरह या फिर एंटरटेनमेंट, गेम्स के लिए, लेकिन शायद वो बहुत बहुत ही कम परसेंटेज में है। आई नो कि बहुत ही मतलब कोई अननोन तरीके से, लेकिन हेक्टिक चल रही है सबकी लाइफ, और लेकिन हाँ मोनोटोनी भी है। देखा जाए तो हम कर कुछ नहीं रहे, लेकिन लाइफ बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है जैसे, तो खैर एक्चुअली आज मेरा वीक ऑफ है और सुबह को उठी तो सही, सो के अच्छे से नींद का कोटा जो है वो तो पूरा हो चुका है अब तक का, लेकिन फिर उठने के बाद से मुझे लग रहा है कि अब जो सेकंड काम है मेरा, खाना खाना क्या बनाऊँ। सो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में एक कुछ ऐसा बनाती हूँ जो थोड़ा फिलिंग होगा, कुछ टेस्टी खाने का भी मन कर रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर से ये मैंने रियलाइज़ किया है और मैंने मेरे जितने दोस्तों से बात की है सबने यही कहा है कि क्या हो रहा है हम लोगों को, जितने हम बोर होते जा रहे हैं ना उतना ही लग रहा है कि क्या करने, टाइम पास करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो चलो जाके कुछ खा लेते हैं, मतलब कुछ कुछ खाते हैं, कुछ टेस्टी खाते हैं। बाहर से मंगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा प्रिकॉशन भी मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशन में आदमी उठेगा भी कैसे, ऑफिस का काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है किसी किसी का, तो उठ उठ के बनाना भी पॉसिबल नहीं होता। बट यस, अगर आपको क्रेविंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है कि हाँ भाई कुछ टेस्टी, कुछ डिलीशियस चीज़ें खाना है, तो ऐसे में बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। सो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, उसी टाइम पे लास्ट ईयर मैंने ऐसा ही कुछ बनाया था। यस, दैट वॉज अ पुडिंग, या आई रिमेम्बर नाउ, दैट वॉज अ स्ट्रॉबेरी पुडिंग विथ चिया सीड्स। आज भी मैं सुबह से उठ के मैं वैसा ही कुछ सोच रही हूँ कि बनाऊँ, बट इट्स ईजियर, इट्स क्विकर, क्योंकि अब भाई जितने दिन जा रहे हैं उतने ज़्यादा आलसी बनती जा रही हूँ मैं, तो इसीलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अब कुछ ज़्यादा लाइक कुछ और डिफ़िकल्ट कुछ बनाऊँ। लेकिन हाँ, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट और मैं कुछ बहुत ही ईजीली बनाना चाहती हूँ जो कि झटपट बन जाए। और ये कोई पर्टिकुलर रेसिपी नहीं है, ये जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैं अभी बनाऊँगी तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को इससे कोई टिप्स मिलता है तो बहुत ही बढ़िया, मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ पता है, बिकॉज़ इट इज़ रियली वेरी ईजी, ये सबको पता है, अगर आपके पास कोई इससे भी अच्छा टिप्स है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताना। और हाँ, ये भी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कर लो अगर वैसा शेयर करने लायक लगता है तो। एंड यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलो जल्दी से मैं बताती हूँ कि मैं बनाती क्या हूँ, और ये जब बन जाए ना तब मैं जाके मेरे हबी को मैं इसका सरप्राइज़ दूँगी, बिकॉज ही डजन नो कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आई थिंक दिस इज़ हिज फेवरेट, बट लेट्स सी। सो नाउ इनफ ऑफ टॉकिंग, नाउ इट्स टाइम फॉर अ डिलीशियस मैंगो मिल्क शेक। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे इसको बनाती हूँ। ओके, तो ये है मेरे मेन चार इंग्रेडिएंट्स, इसमें कुछ भी नहीं है एक्चुअली, सॉरी चार नहीं, यहाँ पे हम गिने तो पाँच है। मैंगो एंड मिल्क, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, डेफिनेटली इनके बिना तो हो ही नहीं सकता। और ये है, ओके, आपको देख के लग रहा होगा ये चीनी है, ये चीनी कतई नहीं है, ये है स्टीविया, आप इसको शक्कर बोल के गलती मत कीजिएगा। दिस इज़ शुगर, सॉरी, दिस इज़ स्टेविया एंड दिस इज़ हैविंग 50% लेस कैलोरीज़, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं घर पर बैठकर काम करते करते इतनी ज़्यादा लाइक कैलोरी गेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि ऑब्वियसली जितना कैलोरी कट हो उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आई हैव टेकन अ सफ़ेदा मैंगो, आप चाहे तो कोई और भी अच्छा, लेकिन जस्ट टेक केयर कि ये स्वीट हो। और ये है आमंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एंड बेनिफिशियल। मैं हमेशा डेली बेसिस पे मैं आमंड इनटेक को मेक श्योर करती हूँ कि ये हमारे हमें मतलब पूरे दिन भर के कोटा में हो। तो ये मैं मिल्कशेक के जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें ही डाल दूँगी, ताकि उसके साथ ये हाफ क्रश हो जाए, दैट विल बी इनफ। एंड दिस इज़ द फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड को मैंने ग्राइंड करके रख दिया है,
फ्लैक्स सीड्स एक्चुअली बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ये होल ऐसे दिखते हैं फ्लैक्स सीड, लेकिन ये हम इसको चिया सीड्स की तरह साबुत नहीं खा सकते। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी हम किसी भी खाने में डालें। वैसे तो फ्लैक्स सीड जो है ये आप सैलड या फिर फ्रूट जूसेस या फिर किसी भी बेवरेजेस किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि व्हेनेवर यू गोइंग टू कंज्यूम इट उस टाइम पे आप इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके उस टाइम पे यूज़ करें। डोंट कीप इट मतलब इसको पीस के ना रख दे पहले से, क्योंकि इसका जो ऑयल है इसे मॉइस्चर छोड़ने लगता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि इसको पहले से पीस के बहुत ज़्यादा ना रख दें, जब जितना ज़रूरत हो उतना ही आप पीस के रखें। सो दिस इज़ इट। अब मैं एक काम करती हूँ, तो अब मैं आम को काट लेती हूँ। ओके, तो मैंने दूध एक ही ग्लास लिया है, क्योंकि जो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिलाने के बाद ये डबल हो जाएगा क्वांटिटी में, और मुझे दो ग्लास से ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा मुझे क्वांटिटी में चाहिए नहीं। ओके, तो अब मैं सबसे पहले आम को काट लेती हूँ। अब मैंने आम को काट के कटोरे में डाल रखा है, एंड अब मैं सिंपली इन चीज़ों को मेरे ब्लेंडर में डाल दूंगी। स्टेविया जो है, स्टेविया मैंने दो चम्मच लिया है, दो से तीन चम्मच ली है, क्योंकि स्टेविया हमेशा ये मेक श्योर करना पड़ता है कि ये शुगर से थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये ज़्यादा मीठा ना हो। आप इसके बदले में चाहें तो हनी भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी हेल्दी। मैं फ्लैक्स सीड अभी नहीं मिलाऊंगी, ये बिल्कुल लास्ट में मैं ग्लास में मिलाऊंगी। सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दीज फोर इन्ग्रीडियंट्स फटाफट से। मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा थिक है, सो आई नीड टू मिक्स सम मोर मिल्क। अब मैं एक काम करती हूँ, अब मिल्क शेक मैंने ऑलरेडी ब्लेंडर पे डाला था एंड वो हो चुका है, तो ये ये फ्लैक्स सीड्स का जो पाउडर है मैं ये ग्लासेस में मिला लेती हूँ। गिर रहे हैं आसपास, खैर कोई बात नहीं। तो ये मैंने आई थिंक इट्स बिकमिंग समथिंग लाइक 2 spoons ऑफ फ्लैक्स सीड पाउडर, तो ये मैंने मिला लिया है, तो ये मैंने ग्लास में डाल दिया है। अब मैं मिल्क शेक को इसमें डाल देती हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि अभी हम सबको पता है अभी सीज़न इतना ख़राब चल रहा है कि डॉक्टर्स ने भी सबको स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि प्लीज़ आप लोग ठंडा किसी भी तरह का चिल्ड चीज़ें ना पिएं या ना खाएं। तो अभी सिंस अभी ऑलरेडी समर है, सबको क्रेविंग होती होगी कि हाँ कुछ ठंडा खाने या पीने का, और मिल्क शेक या स्मूदी ये सब चीज़ें तो लोगों को हाँ ठंडा ही खाने का मन करता है। आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, क्योंकि मैं खुद भी चिल्ड चीज़ों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। लेकिन अभी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ गाइस कोशिश कीजिए कि ये मिल्क या फ्रूट जो है, सीजनल फ्रूट जो भी है, अगर आप मिल्क शेक बनाते हैं या फिर अगर आप स्मूदी बनाते हैं तो उसको आप चिल्ड ना पिए, रूम टेम्परेचर पे लाके उसके बाद बनाइए। समर कूलर जो होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये ठंडा ना आप कंज्यूम करें, क्योंकि ठंडा खाना या पीना ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो देखिए अभी मैंने मिल्क शेक डाल दिया है इसमें, और मैं फ्लैक्स सीड्स को थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करूँ, शायद आपको नीचे से यहाँ से दिख रहा होगा। फाइनली मैंने सारा सब कुछ मिला लिया, एंड लुक एट दिस गाइस, दिस इज सो यम। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स लुकिंग यम बट आई डोंट नो। तो मैंगो मिल्क शेक अब बन के रेडी है, और ये काफ़ी यम दिख रहा है आप देखिए, लेकिन कैसी बनी है ये तो जनता जनार्दन अब डिसाइड करेगी। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को साथ में ये बता दूं कि अगर आप लोगों को लस्सी पसंद है, और गर्मियों में लस्सी बहुतों को पसंद है, प्रोवाइडेड यू डोंट हैव अ कफ एंड कोल्ड प्रॉब्लम। और हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेक श्योर कीजिए कि आप ठंडा ना लें, चाहे वो दूध हो या दही हो,
तो अगर आपको लस्सी चाहिए तो सेम दूध की जगह पे आप लस्सी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं अभी लस्सी ना पीऊँ क्योंकि मुझे मिल्कशेक ज़्यादा पसंद है, तो लस्सी भी बना सकते हैं। चिया सीड्स है तो चिया सीड्स मिलाओ, फ्लैक्स सीड्स है तो फ्लैक्स सीड्स मिलाओ, वट एवर यू वॉन्ट, मेक इट हेल्दी, मेक इट फिलिंग, तो हेल्थ के लिए अच्छा होगा। एंड येस ऑफकोर्स, अगर अगेन कि मीठा जो है वो भी आप अपने हिसाब से कम मीठा डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑलरेडी आम, अगर आम क्या कोई भी सीजनल फ्रूट से अगर हम बनाते हैं तो अगर वो अपने आप में उसमें भी काफ़ी शुगर होता है, सो जस्ट ट्राई टू मेक इट एज हेल्दी एज पॉसिबल। तो चलिए जाके अब जनता को देते हैं और देखते हैं फिर उनका रिएक्शन क्या है। तो कोई है जो बालकनी में खड़ा है, एंड हियर इज समथिंग, कैन यू जस्ट, जनता जनार्दन क्या ये चख के हमें बता सकता है कि क्या बात है? ये भी बनाया आपने? ये भी, सो दिस इज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ओके, सो एंड दिस इज मैंगो मिल्क शेक विद फ्लैक्स सीड्स फॉर योर गुड हेल्थ। वेरी नाइस, वाओ। अच्छा, सच में वाओ है? नहीं सीरियसली, काफी इसमें ड्राई फ्रूट्स है, बहुत सारा ड्राई फ्रूट नहीं है, मैंगो, मैंगो बोल रही हूँ मैं, फ्लैक्स सीड है, यस, नॉट चिया, फ्लैक्स सीड्स है ना, आमंड है ड्राई फ्रूट, दैट यू आर थिंकिंग इट्स आमंड, नॉट, ओके, हैव इट, मैं अपना लेके आती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। अरे जरा दर्शकों की तरफ अपना जो कीमती स्माइल है वो दिखाओ तो सही। आप ये देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है, मैं तो पिछले घंटे से मैं यहीं पर खड़ा हूँ बालकनी। आई वाज जस्ट टेलिंग देम कि अभी ये मालूम था कि आप ये सब बना रहे हैं। अरे अच्छा नहीं, ये इस मौसम में तो बहुत सही है। लेकिन मैं एक पंच लाइन ऐड करूं? करूं, हाँ हाँ बिल्कुल, लेट्स डू इट टुगेदर। क्या ये आम है? ये आम है, ये आदमी है, और लॉकडाउन में आम आदमी की पौड़ी हो रही है। दिस वाज, अरे पौड़ी हो रही है, पौड़ी हो रही है, ये आम है, ये आदमी है, और हमारी आम आदमी की पौड़ी हो रही है ये। सो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही अपना मनोरंजन करते रहो और क्या। काफी काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। या थैंक्स, सो ठीक है, आई होप अगर मतलब अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा है, वैसे खास कुछ था नहीं, बट इट्स लाइक समर कूलर, समर चिलर, आप जो भी कह सकते हैं। सो इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज़ टू स्टे कनेक्टेड विथ मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर लीजिए। And would you like to say something to them? Pahari ho rahi hai. Okay, take care. Bye-bye. Bye-bye.